हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है कि थाना, कचहरी और बीमारी से हमेशा बच कर रहना चाहिए। अब आप भी सोचते होंगे, मैं भी बहुत कहावतें सुनाता रहता हूँ, क्या करूँ, मैं भी आप ही की तरह गांव का ही हूँ और मैंने भी अपनी नानी और दादी से बहुत सी कहावतें सुन रखी है। तो आपने ये भी सुना होगा कि इलाज से बचाव अच्छा। बिल्कुल ठीक सुना है, हमें भी हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमारी से बचे रहें। रहर की खेती के संदर्भ में भी यह उतना ही लागू होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रहर की खेती के लिए बीज का चुनाव एवं उपचार कैसे करते हैं, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि हमें रहर की खेती के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। खेत की तैयारी, बीज का चुनाव एवं उपचार, बीज की रोपाई, कपोलों की तुड़ाई, उकठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाव, फल छेदक कीड़े से बचाव, फसल की तुड़ाई एवं भंडारण। इससे पहले कि मैं आपको बीज के चुनाव और उपचार के बारे में बताऊं, आइए देख लेते हैं हमारे पिछले वीडियो खेत की तैयारी में से दीदी को कितनी बातें याद हैं। रहर के खेत की तैयारी हम पहली बार किए हैं। इससे पहले हम खेत की जुताई करके बीज को छिड़क देते थे, लेकिन इस बार खेत की जुताई करके खरपतवार को निकाल लिए, फिर गोबर की खाद छिड़क कर खेत की जुताई एक और बार किए। हम पहली बार मेड़ बनाकर रहर का बीज लगाने जा रहे हैं और मेड़ से मेड़ की दूरी हम 2 मीटर रखे हैं। ये दीदी तो कमाल की हैं, पिछले वीडियो की सारी बातें इन्हें याद है। खेत की तैयारी के बाद दूसरे चरण में हम बीज का चुनाव और उपचार करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बीज का चुनाव एवं उपचार क्यों जरूरी है? खेत में बीज को लगाने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका निदान हम लोग बीज उपचार से ही कर सकते हैं, जैसे कि उकठा एक बीमारी है जिसका इलाज हम लोग ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके कर सकते हैं। और हाँ, सघनीकरण या सीढ़ी विधि से रहर की खेती करने के लिए उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो कि बगल से फैलने वाली हो और ऊंचाई में भी थोड़ी ऊंची हो और 7 से 8 महीने में पकने वाली हो। झारखंड में रहर के लिए नरेंद्र 1 एवं नरेंद्र 2 प्रजातियां उपयुक्त हैं। अब बात समझ में आई ना कि बीज का उपचार क्यों जरूरी है? अरे लगता है उधर दीदी लोग बीज का उपचार कर रही हैं, आइए हम भी देखते हैं। दीदी, जिस दिन से बीज उपचार का फायदा पता चला है तभी हमने सोच लिया था कि बीज उपचार करके खेत में डालेंगे। दीदी, उतनी समझदार दिखती नहीं हो जितनी हो। देखो, सबसे पहले अपने खेत के हिसाब से बीजों की मात्रा तय कर लो, फिर बीज उपचार करने के लिए हमें एक दिन पहले बीजों को 8-10 घंटा के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। देखो, इस बीज को आज शाम में उपचारित करना है तो हम इसे 8-10 घंटों के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। दीदी, हमारा खेत 15 डिसमिल है तो उसमें कितना बीज लगेगा? 15 डिसमिल जमीन के लिए लगभग 75 ग्राम बीज की जरूरत होगी। ठीक है, चलो इसे पानी में भिगो देते हैं। दीदी, इस बीजामृत को इन बीजों पर धीरे धीरे छिड़किए जिससे कि भीग जाए। ये देखिए दीदी, इन सभी बीजों पे बीजामृत लगा चुके हैं। हाँ दीदी, इसे हम अब छायादार जगह में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दीदी, बीजामृत से उपचार करने के बाद इसका उपचार हम राइजोबियम से करेंगे। ये कैसे होगा दीदी? देखो दीदी, 75 ग्राम बीज के उपचार के लिए हम विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ मिलाकर उबालना चाहिए, फिर जब वह ठंडा हो जाए 1 ग्राम राइजोबियम मिलाते हैं, लगभग 1 चुटकी, चलिए इसमें डाल के मिलाइए।
हम अब इस बीज को इस घोल में आधे घंटे के लिए डाल के छोड़ देंगे। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। बीज उपचार में बीजामृत एवं राइजोबियम का उपयोग कैसे करते हैं? दीदी, आधे घंटे तो हो गया। हाँ, इसे हम जूट के बोरे में निकाल देंगे और सूखने के लिए एक घंटे छायेदार जगह में रख देंगे। ठीक है दीदी। सबसे अंत में इसे हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे। 75 ग्राम बीज के लिए 1 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे। इस ट्राइकोडर्मा को हम धीरे धीरे बीज में छिड़क देंगे। दीदी, इसको भी मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ना है क्या? हाँ बिल्कुल। ये ट्राइकोडर्मा से उपचार करने से क्या होगा दीदी? अगर आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करते हैं तो उकठा नामक बीमारी नहीं होती। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका उपचार जूट के बोरे पर ही करना चाहिए। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए कि 24 घंटे के लिए जूट के बोरे में बांध कर रख देंगे जिससे कि अंकुरण हो जाए। अगर बोरा जूट का रहेगा तो अधिक समय तक नमी बनी रहेगी और अंकुरण जल्दी होगी। हाँ दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और ध्यान रहे कि बीच बीच में जूट के बोरे पर पानी छिड़काव करते रहे ताकि अधिक समय तक नमी बनी रहे। हाँ दीदी, इस बात पे तो दम है। अंकुर होने के बाद सीधे खेत में डालना है ना दीदी? हाँ दीदी, और कुछ जानना चाहती हो क्या? नहीं नहीं, बस हम तो पूछ रहे थे। चलो अब ट्राइकोडर्मा मिलाते। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया क्या है? तो चलो अब इसे 24 घंटे के लिए बांध के रख देते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये बसंती दीदी को आप देख रहे हैं ना, ये भी धीरे धीरे एक्सपर्ट होती जा रही हैं। वैसे बीजों को उपचारित करके खेत में लगाने के अलावा एक और तरीका भी है, जानना चाहेंगे आप? आइए देखते हैं। दूसरी विधि में रहर की खेती पौध तैयार करके की जाती है। इसके लिए 7 या 9 इंच के पॉलीथीन बैग में गोबर या केंचुआ खाद एवं मिट्टी के बराबर मिश्रण में ट्राइकोडर्मा मिलाकर पॉलीथीन बैग में भरते हैं। जितना किलो मिश्रण है लगभग उतने ही ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाना है, जैसे 100 किलो के मिश्रण में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाएं। पॉलीथीन बैग को ऊपर तक भरें और उसे ऐसी जगह पर रखें जहां जल जमाव न हो। उसके बाद 1 से 1.5 इंच की गहराई पर अलग अलग जगहों पर 2 उपचारित बीज लगाएं। बीज लगाने के बाद पॉलीथीन बैग को पुआल से ढक दें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर नमी बनाए रखें। 5 से 7 दिनों के बाद पुआल हटा दें और 20 से 25 दिनों के बाद तैयार स्वस्थ पौधों को ही पॉलीथीन हटाकर खेत में लगाने के लिए प्रयोग करें। इन दोनों विधियों में एक समानता है, विधि चाहे जो भी हो, बीज का उपचार करके लगाना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपको रहर के एक विशेष गुण के बारे में बताता हूँ। आपके घर में दूध देने वाले जानवर तो होंगे ना, अगर आप उन्हें रहर की कोमल डंठलें और पत्तियों को खिलाएंगे तो वो दूध ज़्यादा देंगी। विश्वास नहीं होता तो आजमा के देख लीजिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन उपचारित बीजों को खेत में कैसे लगाते हैं। ये रही उसकी एक झलक। बीज का चयन एवं उपचार में समझौता न करने वाले बिंदु। बीज को एक दिन पहले शाम को
पानी में भिगाकर 8 से 10 घंटे के लिए रख दें। सबसे पहले बीजों को बीजामृत से अच्छी तरह उपचार करें। बीजामृत से उपचार के बाद बीजों को राइजोबियम द्वारा उपचार करें तथा उसे 1 घंटे के लिए छाया में सूखने दें। राइजोबियम उपचार के बाद बीजों का ट्राइकोडर्मा द्वारा उपचार करें तथा कुछ देर सूखने दें। उपचार के बाद बीजों को नमी वाले जूट के बोरे में बांधकर या लपेटकर अंकुरित होने के लिए 24 घंटे रखें।